खरगोन जिले के बड़वाहा में काटकुट रोड पर स्थित जेल में 45 लाख की लागत से बने नवीन बेरक का लोकार्पण बड़वाहा विधायक सचिन बिरला के द्वारा किया गया। साथ ही कैदियों के लिए नए वॉलीबॉल ग्राउंड का भी लोकार्पण किया। जेलर श्याम वर्मा ने बताया कि इस बेरक का 23% बिलो टेंडर गया था, साथ ही में लगभग 37 लाख में बना है और बची शेष राशि का जेल के अन्य कार्यों में उपयोग किया जाएगा। नवीन बेरक में लगभग 20 कैदियों को रखने की क्षमता है। साथ ही विधायक सचिन बिरला ने कैदियों से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने, बाइट्स लगाएं। इस अवसर पर जेलर श्याम वर्मा सहित जेल का स्टाफ, SDM अनुकूल जैन और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष महिमा ठाकुर, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण काग, रवि एरन, नरहरी दांगी आदि कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MPCG। आज सब जेल बड़वा पर नवीन बेरक जिसकी लागत 45 लाख रुपए है और 25 से 30 कैदियों की क्षमता वाला ये हॉल बेरक का आज लोकार्पण हुआ और यहाँ पर कैदियों की सुविधा के लिए वॉलीबॉल ग्राउंड की भी का भी निर्माण किया गया है। और एक बड़ी विशेष बात ये यहाँ के जेलर साहब ने की है कि ई मुलाकात के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल करके महीने में 2 बार कैदी अपने परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी यहाँ की है। बड़ी सुंदर व्यवस्था अंदर जेल में है और कैदियों का बड़े अच्छे तरीके से उनको सुधारने का काम भी जेलर साहब कर रहे हैं। यह अवसर आज लोकार्पण का था, हम सब लोगों को यहाँ आने का अवसर मिला। हाँ, 200 कंबल हम लोगों ने आज यहाँ दिए हैं जो आगे कैदियों के लिए हैं और उनको प्रदान करेंगे। ये 45 लाख की इसमें स्वीकृति थी, उसमें 23% बिलो टेंडर गया था, तो लगभग 37 लाख के आसपास में इसे तैयार हुआ है और इसमें इस बैरिक में 20 बंदी की रखने की क्षमता है और उसके अलावा अभी जो बचे शेष राशि है उसका जेल के अन्य कार्यों में उपयोग किया जाएगा। कितने कैदी रह सकेंगे? लगभग 20 बंदियों की कैपेसिटी के लिए बैरिक बनी हुई है। कुल कितने बैरिक जी? कुल कितने? कुल अपने पास लगभग 159 बंदी है अभी वर्तमान में। वो बैरिक कितने? बैरिक लगभग 4 बैरिक है अपने पास में और पहले ओवरक्राउडिंग की काफ़ी समस्या थी, लेकिन अगर नया बैरिक बनाया तो उससे ओवरक्राउडिंग की समस्या हल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर MPCG।